वर्ल्ड स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल हार्ट। ये इंसिडेंट इटली के अंदर हुआ, जहाँ पर 16 महीने का एक बच्चा जिसको एक कार्डियक डिसीज़ हुआ था। डिसीज़ का नाम था डायलेटेड मायोकार्डियोपैथी। ये एक डिसीज़ है जहाँ पर हार्ट का जो मसल होता है वो मेन पंपिंग चैम्बर होता है जो हार्ट का, उसे इफेक्ट करता है, या फिर अगर हम सिंप्लीफाई करूँगा तो कहते हैं उसे लेफ्ट वेंट्रिकल इफेक्ट हो जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड को पंप करने में हार्ट को मुश्किल होती है, और यहाँ पर जो फोर्स होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं लगा पाता, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो जाता है। यहाँ पर हार्ट बीट्स रेगुलर नहीं होती हैं, इरेगुलर हार्ट बीट्स होती हैं, और यहाँ पर ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। 16 महीने के बच्चे को ये डिसीज़ हो गई थी, और ये बहुत रेयर डिसीज़ है। तो यहाँ पर जो इलाज है इस बीमारी का, यहाँ पर इटली के डॉक्टर्स ने निकाला है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल हार्ट। ये हार्ट करीबन 11 ग्राम का है, 11 ग्राम्स का। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन के ओरिजिनल नेचुरल हार्ट की, तो वो कम से कम 900 ग्राम का होता है, 900 ग्राम्स। तो ये एक नॉर्मल हार्ट के मुकाबले बहुत ज़्यादा हल्का और बहुत ज़्यादा छोटा था। डॉक्टर्स को इटली के अंदर जब तक कोई डोनर नहीं मिल जाता जो अपना हार्ट दे सके, तब तक उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था ये मेडिकल डिवाइस लगाने के अलावा। डॉक्टर्स ने 13 दिन तक इस डिवाइस को बच्चे के अंदर रखा, और उसके बाद जब उन्हें अवेलेबल हुआ एक नेचुरल हार्ट, तो उसके बाद ये सर्जरी हुई। तो दोस्तों, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल हार्ट का जो काम है वो यहाँ पर उसने करा, और 13 दिन तक सर्वाइव करता रहा उस आर्टिफिशियल हार्ट को लगाकर। मेडिकल हिस्ट्री के अंदर ये बहुत बड़ी सक्सेस है कि यहाँ पर हमने स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल हार्ट इन्वेंट किया है, और जो उसका काम है वो भी सक्सेसफुली रहा है ऑपरेशन के अंदर। और फ्यूचर में डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि जो ये हार्ट आर्टिफिशियल हार्ट है, अगर ये हम पेशेंट्स के अंदर परमानेंटली फिक्स कर दें तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मेडिकल फील्ड है ये, बहुत जल्दी एडवांस होती जा रही है, और इसके चलते हमें लगता है कि आर्टिफिशियल हार्ट्स अब बनने लगेंगे, और कई लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं जिन्हें इम्प्लांट करवाना होता है हार्ट, या जिनकी हार्ट ख़राब हो जाती है, तो उनको यहाँ पर बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा मेडिकल के अंदर।